हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ए इक्वल टू 60 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री सी जीरो, डी इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, की कॉन्सेप्ट वो यूज होगा हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच बनता है, एक सॉलिड एंड लिक्विड। जब जो हमारा सरफेस होता है, कोई भी सॉलिड सरफेस होता है एंड लिक्विड, उसके साथ जो भी एंगल बना रहा है, जिस एंगल के साथ जो भी एंगल बना रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लिक्विड है। और ये किसके साथ एंगल बना रहा है, सॉलिड के साथ एंगल बना रहा है। ये जो एंगल होगा हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेस देन 90 हो सकता है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। तो ये हमारा सरफेस है, सपोज ये हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड सरफेस है। एंड सॉलिड सरफेस में दो ड्रॉप है, एक ड्रॉप है जो कि सरफेस को क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, मींस कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और एक ड्रॉप है जो कि सरफेस को वेट नहीं कर रहा है, उसका ड्रॉप कुछ इस टाइप से होगा। तो एंगल देखते हैं हम कि सरफेस एंड लिक्विड के बीच का जो एंगल बनता है वो किस में कैसा बनता है। तो ये जो जब सॉलिड सरफेस को लिक्विड गीला नहीं कर रहा है, तो इसका जो एंगल बनेगा हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर देन है। 90 डिग्री जो थीटा है वो क्या है, ग्रेटर देन है 90 डिग्री। जो इसमें एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री ग्रेटर देन है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है। तो एंड इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, हमारे पास एंगल ऐसा बन रहा है। तो इसमें जो एंगल है वो क्या है, इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। बट हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस को वेट कब गीला नहीं करता, तो कब गीला नहीं करता है कि जब उसके बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है, मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।